नमस्कार। इस किताब में मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, अपने जीवन में उसे काम पर लगाना है। इस किताब में जो बातें बताई गई हैं वो ध्यान से पढ़िएगा और जो भी अच्छा लगे उसे एक डायरी पर लिख लीजिएगा और रोज़ एक एक बार उसे देख लीजिएगा। किताब को एक दिन में ही पढ़ के ख़त्म नहीं करना है, रोज़ एक एक अध्याय पढ़िएगा। जब यह पढ़ के ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा उसे एक बार और पढ़ना है। इससे इस किताब की सारी बातें आपके दिमाग पर बैठ जाएगी और आप आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात, हो सके तो इस किताब को 3 महीने बाद एक बार और पढ़ लेना है, जिससे और भी गहरी तरीके से आपके दिमाग पर बैठ जाएगी, क्योंकि संसार के इस झमेले में हम सब भूल जाते हैं। 3 महीने बाद एक बार दोबारा पढ़ने से आपको दोबारा सब कुछ याद आ जाएगा। साधारण लोग अमीर बोलते ही यह समझ लेते हैं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो, जिसके पास गाड़ी हो, जिसके पास बैंक में बहुत सारा पैसा हो, जिसके पास पावर हो, वो अमीर है। क्या असल में यह सच है? आप क्या सोचते हैं? जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी गाड़ियाँ, आलीशान घर हैं, फिर भी वो खुश नहीं है, तो आप उसको क्या कहेंगे? बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो है लेकिन उसको खर्च करने वाले कोई नहीं है, उसको क्या कहेंगे? संपत्ति बहुत सारी है लेकिन खाने वाला ही कोई नहीं है, उसको क्या कहेंगे? पैसा बहुत है लेकिन हमेशा बीमार रहता है, उसको क्या कहेंगे? पैसा है लेकिन किसी को दान नहीं करना चाहता, उसको क्या कहेंगे? लोगों के पास सब कुछ तो है लेकिन वो किसी ना किसी वजह से नाखुश हैं, उसकी अमीरी का क्या फ़ायदा? अभी आप यह सोच रहे होंगे कि पैसा ही बुरा होता है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। तो इसका मतलब क्या है? मैं ऐसा मानता हूँ कि असल में वही सच्चा अमीर है जिसके पास यह 4 चीज़ें हैं। पहला, अच्छा स्वास्थ्य है। दूसरा, अच्छा पैसा। तीसरा, अच्छा भविष्य। चौथा, अच्छा समय। आइए इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। जिसके पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं है और हमेशा वो बीमार रहता है, असल में वो अमीर नहीं है। उस पैसे का वो क्या करेगा जो खर्च करने के लिए वो खुद ही ठीक तरह से रह नहीं पाता? अच्छा स्वास्थ्य मतलब क्या है? आपको याद है बचपन में आप किताबों में पढ़ते थे, स्वास्थ्य ही संपत्ति है, हेल्थ इज वेल्थ। एक बार फिर से याद कीजिए उस बात को। इतना सुंदर वाक्य जानकर भी हम भूल जाते हैं कि स्वास्थ्य ही असल में असली संपत्ति होती है। यह जानते हुए भी हम अपने स्वास्थ्य को ठीक तरह से नहीं रख रहे हैं, हमेशा खराब और विषैली चीज़ों को खाते रहते हैं। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, अफीम, शराब और ड्रग्स आदि अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर रही है। क्या यह सही नहीं है? और मज़े की बात तो यह है कि कब हमें याद होता है? जब हम अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए होते हैं तब हमें यह याद आ जाता है कि हमने खुद को और अपने स्वास्थ्य को खराब किया है और रो पड़ते हैं। आज के ज़माने में हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो सभी विषैली चीज़ों से बनी हुई होती हैं। जो लोग तंबाकू, सिगरेट, शराब और ड्रग्स नहीं लेते वो भी बीमार पड़ जाते हैं। तो आप और हम क्या चीज़ हैं? अभी आप समझ सकते हैं
कि हम कहाँ हैं। किसी ने सच ही कहा है, इंसान भी क्या अजीब चीज है, जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को खो देता है और फिर उस स्वास्थ्य को दोबारा पाने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई खो देता है। रमेश और राहुल दो दोस्त हैं। घर की परिस्थिति ठीक नहीं होने के कारण दोनों ने कम ही उम्र में रोजगार करना शुरू कर दिया था। दोनों ही बहुत परिश्रम करके रोजगार करने लगे। रमेश कमाए हुए पैसे का बहुत हिसाब के साथ खर्च करता और अपने भविष्य के लिए जमा करके रखता था। दूसरी तरफ राहुल कमाए हुए पैसे को हिसाब से खर्च करता था और हर महीने बाजार से थोड़े बहुत फल भी खरीद ले जाता था खाने के लिए, और बाकी के पैसे वो जमा करके रखता था भविष्य के लिए। और यह देखने के बाद रमेश अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा हो जाता था और बोलता था, क्यों अपने पैसे को फालतू की चीज़ों पर नष्ट कर रहे हो, पेट भर के खाना नहीं खाता क्या? और फिर भी जानते हो इस साल मैंने 12,000 रुपये जमा किए हैं और तुमने सिर्फ 8,000 रुपये जमा किए हैं, मुझसे भी कम। हम दोनों तो एक ही काम करते हैं, फिर भी तुम्हारे इस फालतू के खर्च की वजह से तुम ठीक से पैसा जमा नहीं कर पा रहे हो। यह कह के राहुल को समझाता है। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। जब रमेश राहुल को ऐसा बोलता है तब वे रमेश को समझाना चाहता है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं होता और राहुल उसके उस बात को वहीं पर ख़त्म कर देता है और सिर्फ एक बात बोलता है, यह जो पैसे से हर महीने मैं खर्च करता हूँ वह खर्च नहीं है, विनियोग है, तुम्हें यह बाद में पता चलेगा। 4 साल बाद एक दिन रमेश बीमार पड़ गया। 1 महीने तक वो बिस्तर पर पड़ा रहा। हर रोज राहुल शाम को काम से लौटते वक्त एक बार देखने के लिए उसके घर पर आता। एक दिन राहुल ने रमेश से कहा, इस महीने बीमार होने के कारण डॉक्टर और दवाई के ऊपर पूरे 10,000 रुपये खर्च हुए हैं और इसके साथ इस महीने की कमाई भी गई, तुम्हारा तो नसीब ही अच्छा है। तब राहुल ने रमेश से कहा, तुम्हें पता है एक दिन मैंने तुमसे कहा था कि जो पैसे मैं फल खाने में खर्च करता हूँ वह एक विनियोग है। तुम रमेश को समझ आई कि राहुल तब क्या कहना चाहता था। तब से रमेश भी अपनी कमाई से थोड़ा पैसा अपने स्वास्थ्य के लिए खर्च करने लगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ फल खाना ही जरूरी है, मैं तो यह कहना चाह रहा हूँ कि फल हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं और इसके साथ हरे भरे और रंग बिरंगी सब्जियाँ, अंडा, मछली, मांस और बहुत सारा पानी पीना आवश्यक है। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल बाज़ार में जो सब्जियाँ और फल मिलते हैं वे असल में इतना प्राकृतिक नहीं होते, ज़्यादातर रसायन और कीटनाशक पदार्थ से बनाई जा रही हैं जो हमारे पेट में जाकर अनेकों बीमारियां पैदा कर रही हैं, और इसलिए हमें थोड़ा सावधान होना ज़रूरी है। कीटनाशक और रसायन पदार्थों को ना बोलना चाहिए, हर घर प्राकृतिक चीज़ों से भर देना चाहिए, चाहिए जैविक खाद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाजार में आजकल बहुत सारे लोग प्राकृतिक खाद बेच रहे हैं, उसे उपयोग में लाना जरूरी है। अगर हमें अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें स्वस्थ रहना होगा और स्वस्थ ही हमारा पहला अधिकार है, और हमें अपने इस अधिकार को पाने के लिए लड़ना होगा। क्या आप तैयार हैं? एक दिन हम जरूर जीतेंगे, हम जरूर अमीर बनेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य ही इंसान की असली संपत्ति है। एक दिन
मैं एक पत्रिका पढ़ रहा था। वहाँ एक डॉक्टर ने एक पंक्ति लिखी थी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तब उस बात का मतलब ठीक तरह से मुझे पता नहीं था। वो पंक्ति मैंने पूरी पढ़ डाली। वहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से उस बात का मतलब समझाया गया था कि मैं अचंभित रह गया। उसमें बताया गया था कि बीमारी आने से पहले उसको पहले से ही रोक देना अच्छा होता है। उसी को ही बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मुझे बहुत अच्छा लगा वो पंक्ति पढ़ के। आगे बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति बीमार होने के बाद उसको ठीक करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर सकता है, तो फिर वह व्यक्ति उस बीमारी को रोकने के लिए हर महीने थोड़ा थोड़ा खर्च क्यों नहीं कर सकता। सोचिए, अगर एक आदमी बीमार होने के बाद लाखों रुपए अस्पताल और दवाइयों पर खर्च कर सकता है, तो फिर वह हर महीने थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर खर्च करके अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है कि नहीं। हमारा शरीर एक मशीन की तरह होता है। जैसे हम मोटरसाइकिल और कार 6 महीने बाद सर्विसिंग करते रहते हैं, ठीक उसी तरह हम भी अपने शरीर रूपी मशीन को हर साल एक बार सर्विसिंग करना पड़ता है। हमें अलग से प्रोटीन और विटामिन लेना आवश्यक है, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं वह इतना जहर से भरा होता है कि हमारे शरीर पर पर्याप्त मात्रा में वह सब पहुंच नहीं पाता। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की कमी से ही हम बीमार पड़ते हैं। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हम बीमार पड़े रहते हैं। नियमित अगर हम अपने आहार में विटामिन, प्रोटीन और मिनरल लेते हैं, तो हमारे शरीर पर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और हम स्वस्थ रहते हैं। हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। बहुत सारा पैसा, इनफ मनी। क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो और उस पैसों से आप अपनी सारी पसंद की चीज़ें खरीद सकें? क्या आप अपने परिवार के साथ विदेश घूमना पसंद नहीं करते? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास भी सुंदर सा घर और एक सुंदर सी गाड़ी हो? क्या आप नहीं चाहते कि अपने परिवार के बीमार लोगों को अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना? यह सब आप चाहते हैं, तो फिर बीच में यह क्यों सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा होना अच्छी बात नहीं है? क्यों यह सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों के पीछे भागना अच्छी बात नहीं है? ज़रा सोचिए, ऊपर बताई गई जो जो चीज़ें हैं, क्या यह खराब है? अगर नहीं, तो क्या यह सब चीज़ें बिना पैसों के पूरी हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा कभी खराब नहीं होता, बस लोगों की नीयत खराब होती है। पैसा हमेशा अच्छा ही करता है। अगर पैसा किसी गलत आदमी के पास पहुंच जाए, तो वह खराब होता है। आपकी नीयत अगर अच्छी है, तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पैसा खराब होता है? जो आदमी पैसा मिलते ही घमंड में डूबकर गलत काम करता है, समझ लेना कि उसको ज्ञान का अभाव है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पैसा थोड़ा बढ़ जाए या फिर तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा हो जाए, तो घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, अच्छी अच्छी सामान खरीदेंगे, लेकिन लोगों को कमज़ोर नज़र से देखेंगे। लेकिन याद रखिए, जब कोई ऐसा करने लगता है, तभी से वह आदमी गरीब होने लग जाता है। वह आदमी धन से अमीर बन सकता है, लेकिन मन से नहीं। तब वह
भगवान से मांगना शुरू कर देगा कि हे प्रभु, मुझे ऐसे ही खुश रखना। भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब समझते हैं। उस व्यक्ति को वही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि वो समाज का कल्याण नहीं कर सकता। याद रखिए, भगवान से हम जो मांगते हैं वे वही देते हैं, बस उसमें एक अंतर होना चाहिए। खुद के स्वार्थ के लिए अगर हम मांगते हैं तो बस थोड़ा ही मिलेगा, लेकिन समाज की भलाई के लिए मांगेंगे तो हमें बहुत सारा मिलेगा, जिस धन को आप संभाल नहीं पाएंगे। भगवान ने हमको बहुत अच्छा एक गुण दिया है, वह है चुनने की क्षमता, यानी चॉइस। हमको बस यह गुण इस्तेमाल करना होगा और देखना होगा क्या अच्छा है और क्या गलत है। इस चुनने की क्षमता को हमें उपयोग करना है। कुछ लोग अवसरों को देखने के बाद यह सोचते हैं कि यह काम नहीं कर सकते हैं, इस बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे हालात में आपको किताबों का सहारा लेना चाहिए। याद रखिए, लोग अमीर बनते हैं दो दाम करने से, किताब पढ़ने से और दूसरा है सफल व्यक्ति के साथ मिलने से। यह दो काम आपको अमीर बना सकते हैं। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आपको संसार की सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान हासिल होगा और आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप जो कर रहे हैं उसी विषय की किताब खरीद के पढ़ लीजिए। यह किताब आपको कैसे आगे बढ़ाती है उसका ज्ञान देगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ करने की सोच रहे हैं तो आप सेल्फ हेल्प, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मोटिवेशन किताब खरीद के पढ़ लीजिए, जिससे आपकी चुनने की क्षमता बढ़ जाएगी और आपका दिमाग सही दिशा में सोचने लगेगा। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जब कोई बिजनेस करना चाहता है या फिर कुछ नया करना चाहता है, तब वह सलाह लेने एक बुजुर्ग के पास जाता है जिसकी समाज में इज्जत और काफ़ी अच्छी पहचान है। तब वह बुजुर्ग सीना तान के बैठकर एक सिगरेट जलाकर बोलेगा, यह बिजनेस काफ़ी मुश्किल है, यह मैंने सुना है, शायद यह तुम नहीं कर सकते, फिर भी कोशिश कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। इससे तुम्हारा समय बर्बाद हो सकता है, कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते, वगैरह वगैरह। असल में ज़्यादातर लोग गलत आदमी से सुझाव लेने चले जाते हैं। जिससे सुझाव मांगने जा रहे हैं उसने कभी बिजनेस किया ही नहीं है, उसको बिजनेस के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, फिर भी सुझाव देने लग जाता है। हम परीक्षा पास करने के लिए एक अच्छा शिक्षक ढूंढ लेते हैं जो अच्छी तरह पढ़ाते हैं, जो उस विषय में ज्ञानी है, ना कि किसी कृषक या दुकानदार से। लेकिन जब जीवन के लिए फैसला लेने की बारी आती है तब हम क्यों किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लेते हैं जिसको उस बारे में ज्ञान ही नहीं है। तब हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती है पता नहीं। किसी बुजुर्ग की सलाह लेने का मतलब यह है कि उस काम में एक्सपर्ट की सलाह लेना। जो लोग, जो काम आप करना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग देखने को मिलेंगे जिसने अपना अच्छा चल रहा काम छोड़ दिया किसी ऐसे आदमी के कहने से जो कुछ भी काम नहीं करता और इधर उधर यहीं घूमता रहता है। नंदन एक गरीब लड़का है, उसके घर की हालत ठीक नहीं है, उसका एक और भाई भी था। उसके पिताजी दोनों भाइयों को पढ़ा नहीं सकेंगे, यह जानकर नंदन ने पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लग गया। अचानक एक दिन
उसकी एक आदमी से मुलाकात हो गई। उसने सुंदर कपड़े, महंगी घड़ी, एक कार और हाथ में एक हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी। नंदन के घर की हालत के बारे में जानने के बाद उस आदमी ने नंदन को एक बिजनेस करने को कहा जो वो खुद करता था और जिस बिजनेस से वह अमीर बना था। नंदन ने अपने पिताजी की कहानी बताई और यह बिजनेस करने की चाह दिखाई। तब नंदन ने पिताजी ने उसको बोला कि बेटा, तुम यह काम नहीं कर सकते, तुम बिजनेस के लिए पैदा नहीं हुए हो, मैं तेरे लिए एक नौकरी ढूंढ दूंगा। नंदन पूरी रात जागता रहा और उस आदमी के बारे में सोचता रहा। रात को ही उसने फैसला कर लिया था कि वो बिजनेस करेगा जो उस आदमी ने कहा था। उसने अपने पिताजी को बिना बताए उस आदमी से मिला और बिजनेस करने लगा। 5 साल बाद नंदन बहुत सारा पैसा कमाता है। उसके पास एक अच्छी गाड़ी भी है। एक दिन उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, क्या मैंने आपकी बात नहीं मान के गलती की? पिताजी ने जवाब दिया, नहीं, उस समय मैं गलत था, तुमने सही फैसला लिया था। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमें अपने माता और पिता की बात नहीं सुननी चाहिए। मैं यह कह रहा हूँ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसमें जो आदमी सफल है उसकी सलाह लेनी चाहिए, उसके अलावा किसी और व्यक्ति से नहीं, चाहे वो अपने घर के लोग, रिश्तेदार और पड़ोसी ही क्यों ना हों। आजकल इंटरनेट का युग है, आपको अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप उसका सहारा ले सकते हैं या फिर किताबों का सहारा। सोचिए और विचार कीजिए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए, आप जरूर सफल बनेंगे और एक दिन आप बहुत सारे धन और संपत्ति के मालिक बन जाएंगे और समाज का कल्याण कर पाएंगे। किताब ही इंसान का असली मित्र होता है। तीसरा, अच्छा भविष्य, सिक्योरिटी। आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कैसे हम और हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित रख सकें। हम अगर ना रहें तो हमारे परिवार को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। जरा सोचिए, आप जो कर रहे हैं क्या वो आपके परिवार के लिए ठीक है या और भी ज़रूरी है? आप अभी जिस हालत में हैं क्या वो ठीक है? आपको क्या लगता है, जिस हालत में चीज़ों और सामानों के दाम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आप जो कर रहे हैं वो आपके परिवार के लिए भविष्य को ठीक कर सकता है? क्या आप खुश हैं? जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? आपने कभी यह सोचा है कि अगर किसी कारणवश आप अगर बिस्तर पर 1-2 साल रह गए किसी बीमारी के कारण, तो क्या आपका परिवार ठीक तरह से चल पाएगा? जरा सोचिए, आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे आप अगर ना रहे तो आपका परिवार ठीक तरह से खा पी सकेगा? थोड़ा शांत मन से सोचिए। सुरक्षित भविष्य का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप कभी ना रहे या कारणवश अचल हो जाएं, तो आपका परिवार आसानी से गुजारा कर सके और किसी चीज़ की कमी ना हो आपके परिवार को। आप अगर कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं जिसमें अगर आप कुछ दिन या महीनों तक ना जाएं, तो आपकी तनख्वाह कट जाती है, तो समझिए आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जहां पर आप नहीं गए तो इनकम बंद हो जाएगा, तो समझिए आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है।
इसका यह मतलब नहीं है कि आप नौकरी छोड़ दें, इसका यह मतलब है कि आप किसी एक इनकम पर, इसका मतलब यह है कि आप किसी एक इनकम पर भरोसा मत कीजिए। अगर आप एक अच्छा और सुरक्षित भविष्य चाहते हैं तो नौकरी के साथ आपको कुछ और भी करने के लिए सोचना पड़ेगा। अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो यह भी सोचना जरूरी है कि आप काम करेंगे तब इनकम तो हो, और जब आप काम नहीं करेंगे तब भी इनकम हो और बिजनेस दिन का दिन बढ़ता जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि बस यह इनकम ही ठीक है, परिवार ठीक ठाक चल रहा है, इतना ज़्यादा काम करने का समय कहाँ है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? क्या आप भी यही चाहते हैं कि मार्केट में जाकर मनचाहा सामान ना खरीद कर बजट में जो होता है वही खरीदना चाहते? कुछ और हैं और खरीदते कुछ और हैं, फिर भी कहते हैं पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप जितना परिश्रम करते हैं उतना परिश्रम अगर आपके बच्चे ना करें यह चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ने के लिए एक कदम उठाना पड़ेगा, और वो कदम है वो बताएगी, और आपको आगे कैसे पढ़ना है वो बताएगी। आप हमेशा सेल्फ हेल्प वाली किताब पढ़ना शुरू कीजिए। पहले पहले थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन रोज़ 25 से 30 मिनट अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी बदलना शुरू हो जाएगी। किताब आपकी मानसिक शक्ति को 100 गुना बढ़ा देगा और आप दूर की सोच पाएंगे। याद रखिए, मैंने पहले भी कहा था, इंसान दो चीज़ों से अमीर बन पाता है, एक किताब पढ़ने से और दूसरा सफल व्यक्ति के साथ मिलने से। हर रोज़ एक समय तय कीजिए किताब पढ़ने के लिए और शुरू कीजिए सफल व्यक्ति से मिलना। अगर आपको आपके आसपास कोई भी सफल व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है तो सफल व्यक्तियों की किताब पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि सफल व्यक्ति ही आपको कैसे सफल बन जाता है वो सिखाते हैं। अगर आप असफल व्यक्ति के साथ मिलते हैं तो आपको वो कैसे असफल बना है वो बताएगा और आपको कमज़ोर कर देगा। इसलिए आपको ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के साथ मिलना जो अपने काम में सफल हुए हैं। आपको सिर्फ चुनना है सही रास्ता, और देखिएगा एक दिन आप भी सफल बन जाएंगे और आप भी अमीर बन जाएंगे, और एक दिन आपके और आपके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित नज़र आएगा। इंसान अपने ज्ञान के मुताबिक धन कमाता है। चौथा, अच्छा समय, गुड टाइम। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका पूरा दिन अच्छा हो? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका समय कभी खराब ना हो? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा समय हो जो आप अपने परिवार के साथ बिताएं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि अपने जीवन में कभी कोई कष्ट और दुख ना आए? यह सब आप चाहते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, संसार के सभी प्राणी यही चाहते हैं। तो फिर आप एक बार यह सोचिए कि आप यह सब पाने के लिए क्या करते हैं। आपको पता है संसार के सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के जीवन में ही ऐसा होता है। इसका कारण है सही काम ना करना। अगर दूसरों को निंदा करते हैं तो फिर आपके जीवन में अच्छे दिन कैसे आएंगे? आप अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं तो फिर आपके जीवन में खराब दिन कैसे आएंगे? आप दूसरों को तकलीफ़ देके इनकम करते हैं, घूस लेते हैं
लोगों को ठगते हैं तो फिर आपके जीवन में अच्छे दिन कैसे आएंगे? भगवान श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में यह कहा है, जो इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है वो व्यक्ति खुद को क्षति ही पहुंचाता है और साथ में समाज को भी हानि पहुंचाता है, और जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण को सोचकर काम करता है समाज के उन्नति के साथ साथ उसकी भी उन्नति निश्चित है। लोग हमेशा खुद के लाभ के लिए सोचते रहते हैं कैसे थोड़ा लाभ हो जाए, और किसी को मदद की बात आती है तो सबसे पहले वह खुद का लाभ ही देखते हैं। अगर किसी को कोई क्षति ना हो, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सारा दिन दूसरों की क्षति करके खुद को लाभ करने की सोचते रहते हैं। असल में बात यह है कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा के लाभ भी कर लेते हैं तो वो थोड़े समय के लिए ही रहता है। वह कमाया हुआ पैसा बाद में बहुत ज़्यादा क्षति करता है। कभी कभी आप सोचते ही रहते हैं कि क्यों भगवान ने इतना कष्ट दिया है, क्यों इतना दर्द दिया है। ऐसा जब ख्याल आए तो उसका उत्तर खुद ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि आपने किसी को कभी क्षति पहुंचाई होगी इसलिए आज ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका समय ठीक हो जाएगा। आप दिन भर परिश्रम करके रोजगार करते रहते हैं और किसी को दान करने की जब बात आती है तो मन छोटा हो जाता है। यह तो स्वाभाविक है, लेकिन क्या आपको पता है, श्री चाणक्य जी ने यह कहा था। वो कहते थे कि अगर आप अपना बुरा वक्त ठीक करना चाहते हैं तो दानी बनो और अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब और बेसहारा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि भगवान को अच्छा प्रसाद चढ़ाने से और दक्षिणा देने से भगवान खुश हो जाएंगे और हमें बहुत सारी खुशियाँ देंगे, और इसलिए वह तरह तरह के फूल, लड्डू और मिठाइयाँ भगवान को चढ़ावा देते हैं और भगवान के सामने रखे थाली में पैसा देके भगवान से खुशियाँ मांगते हैं। इंसान यही विश्वास करता है कि ज़्यादा दक्षिणा देने से भगवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और अपार कृपा बरसाएंगे। इस पर मैं अपनी एक कहानी बताना चाहता हूँ। शादी के 5 साल बाद मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ गुवाहाटी गया था माँ कामाख्या के दर्शन के लिए। सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर के लिए मैं रवाना हो गया, मन में श्रद्धा लेकर। वहाँ बहुत सुंदर वातावरण था, लोग दर्शन के लिए लाइन लगाकर खड़े थे, बहुत लंबी लाइन लगी थी। अचानक दूसरी ओर एक लाइन पर नजर गई, आखिर 2 लाइन क्यों है? पूछा तो बताया कि वहाँ दूसरी और एक और लाइन है जो कि VIP लाइन है। बिना पैसे का जो लाइन था वो सबसे ज़्यादा लंबा था। मतलब आपको जल्दी अगर माँ के दर्शन करने हैं तो टिकट लेना पड़ेगा। मैंने 50 रुपये के 2 VIP टिकट लिए और परिवार के साथ छोटी लाइन पकड़ी, क्योंकि बिना पैसे वाली लाइन बहुत ज़्यादा भीड़ वाली थी। तकरीबन 1 घंटा लाइन पर खड़ा रहा और सोचता रहा कि इतने सारे लोग दर्शन करने के लिए हर रोज़ जाते हैं और इतनी टिकट काटते हैं, इतने पैसों का क्या होता होगा। सिर्फ टिकट ही नहीं, साथ में चढ़ावा भी पड़ता है। किसी से पूछा तो बताया कि सारा पैसा मंदिर की देखरेख और साफ सफाई के लिए खर्च करते हैं। मन में यह सवाल आया, क्या इतना सारा पैसा सचमुच में खर्च होता होगा।
जो भी उस टॉपिक को छोड़ आगे बढ़ता गया। हाथ में फूलों की माला, माँ के लिए चादर, नारियल, मिठाई, अगरबत्ती और मोमबत्ती लेकर श्रद्धा के साथ बढ़ता रहा। अंदर जाने से पहले ही हमने ब्राह्मण को ठीक कर लिया था, वो हमारे लिए मंत्र पढ़ेंगे और उसके बाद उनको दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण वहाँ मिल जाएंगे जो आप जाते ही आपके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन हमने अलग से एक बुजुर्ग ब्राह्मण को ठीक करवा लिया था जो सौभाग्य से बहुत अच्छे थे। अंदर जाने के बाद आपके पास थोड़ा ही टाइम बचता है पूजा के लिए, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि ज़्यादा समय वहाँ रहने नहीं देते। खड़े खड़े ही पूजा और फूल और चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है और प्रणाम किया तो दक्षिणा भी देनी पड़ती है। मैं भी श्रद्धा के साथ गया था। हर द्वार पर 100 रुपये का नोट निकालकर दक्षिणा देता रहा और सोचता था कहीं कम ना हो जाए और माँ नाराज ना हो जाए। बीच बीच में हमारे जो ब्राह्मण थे वो दक्षिणा कम देने के लिए बोलते थे। मैंने उनकी बात नहीं सुनी और उल्टा सोचता रहा कि कहीं वो अपनी दक्षिणा कम ना हो जाए इसके लिए ऐसा बोल रहे हैं। सब कुछ ख़त्म करके वहाँ से निकले और नारियल फोड़ने के बाद पूजा ख़त्म करके ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देने के लिए पहुँचे। उन्होंने कोई डिमांड नहीं किया और मैंने अपने आप से ही दक्षिणा दे दी। और तब उन्होंने एक बात बोली कि भगवान पैसा ज़्यादा देने से खुश नहीं होते, भगवान तो मन से श्रद्धा और प्रार्थना करने से खुश होते हैं। तब मैं सुन्न पड़ गया, क्या हुआ पता नहीं। इतने समय उनको ठीक तरह से देखा नहीं था मैंने। तब उनके मुख पर देखा तो एक प्रकाश उनके चेहरे से निकल रही थी। ऐसा लगा कुछ समय के लिए कि भगवान मुझे उनके मुख से कुछ बोल रहे थे। फिर उनके चरण स्पर्श किए हम सब ने और हम चले आए। पूरा दिन वही बात मुझे याद आती रही। सही तो कहा था उन्होंने, भगवान पैसे से नहीं श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। और आज भी जब मैं मंदिर पर जाता हूँ तो वही बात याद आती है। वो टिकट की बात, इतना सारा पैसा अगर सिर्फ एक मंदिर पर चढ़ावा पड़ता है तो पूरे देश में इतने मंदिर, इतने मस्जिद, इतने चर्च और इतने गुरुद्वारे हैं जिनमें कितना चढ़ावा चढ़ता होगा। वहाँ लोगों को खिलाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जितना यह खर्च होता है उससे 1000 गुना अधिक पैसा वहाँ दान करते हैं भक्त। सोचिए अगर इन सब पैसों में से अगर 20% भी गरीब लोगों को बांट दिया जाए तो इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, ना ही शौचालय की असुविधा होगी, ना ही किसान आत्महत्या करेंगे और ना ही गरीब लोग झोपड़ों में रहेंगे। यह संसार और प्रकृति संपूर्ण लेने और देने पर निर्भर करता है। अगर आपने किसी को अच्छा दिया तो आपको भी अच्छा मिलेगा। अगर आपने किसी के बुरे समय पर सहायता किया तो आपको बुरे समय पर भी आपको सहायता करने के लिए लोग आएंगे। अपने जिसको सहायता किया है वो अगर नहीं भी आता है तो भगवान आपकी सहायता के लिए किसी और को भेज देंगे। यही नियम है, भगवान हम सबका ख्याल रखते हैं। इस बात को कुछ लोग अस्वीकार कर सकते हैं लेकिन यही सच है। आप निश्चिंत रहें, आपका समय भी अच्छा होगा, आपके सारे दुख और दर्द मिट जाएंगे। इसके लिए एक काम करना होता है और एक नियम का पालन करना पड़ता है और वह है
बिना स्वार्थ के लोगों की सेवा करना, लोगों को खुश रखना, प्रकृति और भगवान के सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिए। आपके जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। एक दिन आपका भी अच्छा समय आएगा, आपको सारी खुशियाँ मिलेंगी, बस थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। विश्वास रखिए, आपका जीवन भी सुंदर और सुखमय होगा। अमीर बनने का रास्ता। आप अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए कोई पैसों की ज़रूरत नहीं होती और ना ही शिक्षा की। अगर आपके पास 1 रुपये भी नहीं है तब भी आप अमीर बन सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन अमीर हैं। उनको देख के आप यह सोचते होंगे कि वो कितने भाग्यवान हैं और मेरा भाग्य कितना ख़राब है। यही सोचते हैं ना आप? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। इसके लिए अपने भाग्य को दोष मत दीजिए। अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वह है इच्छा। जी हाँ, इच्छा। इच्छा शक्ति के जरिए ही आप सब कुछ पा सकते हैं, धन, दौलत, प्यार और संपत्ति आदि। आप अगर अंतर मन से कुछ चाहते हैं और उसको पाने के लिए काम करते हैं तो प्रकृति और भगवान आपको वह देने के लिए सहायता करते हैं। यह याद रखिए, इस धरती पर जितने भी लोग अमीर बने हैं वो सब इसी इच्छा शक्ति का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फिर भी इसे विश्वास नहीं करते हैं तो यह सोचिए कि अमीर आदमी के पास क्या है जो आपसे अलग है। अमीर व्यक्ति के पास 2 आँख, 2 कान, 2 हाथ, 1 दिमाग और 2 पैर हैं जो आपके पास भी हैं। तो क्या भाग्य है? जी नहीं, उनकी इच्छा और उनका परिश्रम, यह दोनों ही चीज जो आपसे अलग हैं। अमीर व्यक्ति ने एक बार यह ठान लिया था कि वो अमीर बनेगा, इसलिए वो अमीर बन पाया है। लेकिन आप जब भी काम का समय होता है तो आलस होकर उसे टाल देते हैं, है कि नहीं? अभी भी समय है, इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और अमीर बनिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप सिर्फ इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके मन में अमीरी का ख्वाब रख के घर में बैठ के सपने देखते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, अमीर तो बनना चाहते हैं और ख्वाब भी देखते हैं लेकिन परिश्रम नहीं करना चाहते और अपने भाग्य को दोष देते रहते हैं। याद रखिए, भगवान पंछी को भी खाना देता है, उसे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन उसको भी खाना ढूंढना पड़ता है। कि आप यह चाहते हैं कि पशु और पक्षी की तरह खाना खा के ज़िंदगी बिताना? अगर हाँ तो आप किसको झूठ बोल रहे हैं, खुद को या अपने परिवार के लोगों को? आप दिन भर अपने परिवार को और खुद को यह झूठ बोलते रहते हैं कि आप अमीर बनेंगे, यह खरीद के देंगे, वो खरीद के देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला बनाएंगे, सारी ज़रूरतों को पूरा कर देंगे और ना जाने क्या क्या। आप पंछी की तरह रहते हैं और अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं, क्या यह संभव है? आपको चारों तरफ के लोग यही करते हैं जो आप कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं सच में बदलाव लाना तो आपको भी बदलना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, क्या करने से आप अमीर और सफल व्यक्ति बन सकते हैं? सोचिए और आगे बढ़िए। देखिए, सफल और कामयाब बनने के लिए
कोई कठिन काम करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको खुद को बदलना होगा। अगर आपको लगता है कि आप बदल सकते हैं तो आप इस किताब में जो कुछ नियम दिए गए हैं उसको अच्छी तरह से पढ़िए और अपने जीवन पर आजमाना शुरू कर दीजिए। जो नियम यहाँ पर बताए गए हैं वो नियम दुनिया के कुछ ही लोग अपने को सफल और अमीर बने हैं। किताब में जो रहस्य के बारे में पहले पहले दिक्कतें आएंगी, किताब में जो रहस्य के बारे में बताया जा रहा है वह अच्छी तरह से अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। इससे पहले दिक्कतें आएंगी, आपको लगेगा कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन आपको धैर्य रखना है और आगे बढ़ना है। मैं आपके सामने वह रहस्य लेकर आया हूँ जो आप जानने के बाद और भी धन संपत्ति खुशियाँ अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। अमीर बनना आपका अधिकार है, क्यों इस अधिकार से वंचित रहेंगे? बिल गेट्स बोलते हैं, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब होकर मरते हैं तो यह आपकी गलती है। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, आप खुद ही इसे देख नहीं पाए हैं। रास्ते का एक लंगड़ा भिखारी भीख मांग रहा था और उसी रास्ते पर कुछ लोग नशा करके बकबक करते हुए जा रहे थे। भिखारी मन ही मन बोल रहा था, ये लोग एक नंबर के गधे हैं, इन सब की मती मारी गई है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भगवान ने इनको सब कुछ सही सलामत दिया, फिर भी वो इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। रिश्ते पर रास्ते पर नशा करके इधर उधर गिर रहे हैं। अगर इनकी तरह मुझे भी हाथ पैर सही सलामत दिया होता तो आज मैं भीख नहीं मांगता, काम करके अमीर बन जाता और शांति से रहता। आपने यह कभी सोचा है कि आपको चारों तरफ जो लोग अचल और असहाय हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? अभी भी समय है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, क्यों आपको खुद पर विश्वास नहीं है? आपको लड़ना होगा और खुद को बोलना होगा कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं और कामयाब बन सकते हैं, आप कर सकते हैं। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो परिवर्तन जरूर आएगा, आप भी सफल और अमीर बन जाएंगे। कुछ लोग खुद की असफलता का कारण दूसरों को और सरकार को देते हैं। कुछ लोग यह जरूर बोलते हैं कि उसने हमको क्या दिया है, मैं पैसे के बिना कैसे बिजनेस शुरू करूं? कोई मदद नहीं करता, सरकार भी कोई मदद नहीं करती, सरकार ने हमको क्या दिया? कहाँ है नौकरी? बहुत बड़े बड़े वायदे तो किए थे लेकिन लोन नहीं मिल पाया, वगैरह वगैरह। यह कैसी सोच है पता नहीं। खुद कभी यह नहीं बोलते कि मैंने सरकार को क्या दिया है। दूसरों को दोष देने से पहले खुद यह नहीं सोचते कि मैंने किसी को क्या दिया है। जब यह सोच आने लगेगी तो समझिए आपकी ज़िंदगी बदलने जा रही है। अमेरिका के जैसे देश में लोग यह सोचते हैं कि हम कैसे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा कर यानी टैक्स दे पाएंगे, लेकिन हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह सोचते हैं कि सरकार से कितना ज़्यादा टैक्स चुरा पाएंगे, कैसे काला धन दूसरे देशों में छिपाया जाए। जनहित के लिए पैसा जो दिया गया है
वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खाया जाए। कुछ लोग अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं और नौकरी नहीं मिलने पर सरकार को दोष देने लग जाते हैं। सही समय पर काम नहीं करके नौकरी के भरोसे रहते हैं और सरकार को दोष देते रहते हैं। हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार कितना करेगी हमारे लिए, वो भी तो करोड़ की जनता है और दिन ब दिन जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है। इन सब के लिए कर करके थक जाएंगे, फिर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार भी अब वादा करती रहती है जो पूरा नहीं हो पाता। इसलिए वादे से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, वादा नहीं करेंगे तो वोट कैसे मिलेगा। इसलिए दूसरे पर भरोसा करना छोड़ना पड़ेगा और खुद ही कुछ करने के लिए आगे बढ़ना होगा। डरिए मत, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। यह सोचिए और आगे बढ़िए, आप जरूर सफल बनेंगे। सफल बनने के लिए वो बीमार सोच आपको बदलना पड़ेगा, तभी आप सफल बन पाएंगे। विश्वास। सफल और अमीर आदमी बनने के लिए अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप जो विश्वास करेंगे वो बन जाएंगे। आप अगर सोच रहे हैं कि आप ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाएंगे तो आप ज़्यादा पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अमीर बन पाएंगे तो आप ज़रूर अमीर बन पाएंगे। यह जो सोच होती है यह हमारे विश्वास से उत्पन्न होती है। गलत विश्वास गलत फल देगा, सही विश्वास सही फल देगा। अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप भी अमीर बन पाएंगे। आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे, आप गरीबों की मदद कर पाएंगे। चाहे आपके पास 1 रुपये भी ना हो, तब भी आपका विश्वास आपको एक दिन अमीर बना देगा। हाँ, लेकिन इसमें समय लगेगा। गौतम एक आलसी लड़का था। वो हमेशा भगवान को याद करता था और प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मेरे जीवन में एक चमत्कार कर दो कि मैं बहुत सारे पैसे कमा पाऊँ। मेरी लॉटरी लगा दो, चमत्कार कर दो। आपके आशीर्वाद के बिना मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊँगा। बहुत सारे लोगों को अपने कृपा की है, इसलिए वो सब अमीर बन पाए हैं, वगैरह वगैरह। और एक दिन भगवान उसकी प्रार्थना के समय प्रकट हो गए और गौतम से पूछने लगे कि तुम्हें क्या चाहिए। गौतम बहुत खुश हुआ और बोला, प्रभु आप बस एक आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं अमीर बन पाऊँ। बहुत सारा पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मैं जो गरीबों की मदद कर सकूं। तब भगवान बोले, ठीक है, इसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्या तुम करने के लिए तैयार हो। गौतम बोला, हाँ प्रभु, आप जो काम बोलेंगे वो मैं करूँगा। तब भगवान बोले, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र की किताब दे रहा हूँ, लेकिन इसे कभी मत खोलना, नहीं तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। बस इसे हर रोज पूजा करके एक बार छू लेना और काम पर निकल जाना, जिससे तुम जो भी काम करोगे वो बहुत अच्छा चलेगा और तुम अमीर बन जाओगे। लेकिन तुम सिर्फ इसे 5 साल तक ही रख सकते हो और 5 साल के बाद मैं दोबारा इसे लेने आऊँगा। और इस बात को तुम्हें किसी को नहीं बोलना है, क्या तुम्हें यह मंजूर है। तब गौतम हंसी खुशी भगवान को बोलने लगा, हे प्रभु, 5 साल के लिए बहुत है, मैं इसका इस्तेमाल करके बहुत सारी दौलत कमा लूँगा। आपने जो कृपा की है प्रभु, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।
भगवान ने एक लाल रंग की किताब दी और चले गए। गौतम बहुत खुश था। हर रोज वो उस किताब को छूकर प्रणाम करता और काम पर निकल जाता। उसके मन में यह बात हर रोज याद आती थी कि 5 साल के बाद वो किताब लेने आ जाएंगे और इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना है। इसलिए उसने यह भी विश्वास था कि मैं अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि भगवान ने उसे मंत्र की किताब दी है। उसका विश्वास 2 गुना हो गया। गौतम ज़्यादा मेहनती बन गया। हर काम पर वो ज़्यादा मेहनत लगाने लगा। वो दिन 2 गुनी और रात 4 गुनी करके काम करने लगा। दिन पर दिन वो धीरे धीरे पैसे कमाने लगा और देखते ही देखते वो 5 साल के अंदर अमीर बन गया। फिर एक दिन भगवान प्रार्थना के समय प्रकट हो गए। गौतम ने देखते ही भगवान को प्रणाम किया। भगवान पूछने लगे, क्या तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार धन प्राप्ति हुई? गौतम बोलने लगा, हाँ प्रभु, आपने जो किताब दी थी उससे यह चमत्कार हो पाया है। आज मेरे पास सब कुछ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान बोलने लगे, अब तुम मुझे वो किताब दे दो। तब गौतम ने किताब को भगवान को देने के लिए उठाया। फिर भगवान बोले, अब तुम उसे खोलकर देख सकते हो। गौतम बहुत खुश था। इतने दिन उस किताब के अंदर क्या चमत्कारी है वो देखने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। झट से उस किताब को खोला और पहला पन्ना देखा तो कुछ नहीं था, दूसरे पन्ने में भी कुछ नहीं था और तीसरे में भी खाली था। ऐसा करते करते पूरा किताब देख लिया पर कुछ भी नहीं लिखा था। अब गौतम भगवान से पूछने लगा, प्रभु यह तो कुछ भी नहीं लिखा है। तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल इस किताब में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। गौतम बोला, तो प्रभु मैं अमीर कैसे बन गया? भगवान बोले, वो है विश्वास। पहले तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं था, इसलिए तुम कोई भी काम नहीं करते थे और अमीर नहीं बन पाए। लेकिन जब तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हो गया कि भगवान ने आशीर्वाद दिया है, अमीर बन जाओगे, तब तुम काम करने लगे। यह विश्वास ही लोगों के पास नहीं होता और इसलिए वो सफल नहीं बन पाते। जिन लोगों के पास यह विश्वास होता है वह सफल बन जाते हैं। विश्वास के साथ जब परिश्रम जुड़ जाता है तब इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकता है। गौतम, यह जो राज आज तुम्हें पता चला है वो तुम उन लोगों को बताओ जिनके पास विश्वास की कमी है। आज से यह दायित्व तुम्हारा है। मेरा यह संदेश तुम सब तक पहुंचाओ ताकि सब सफल बने। गौतम को सब कुछ पता चल गया और भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपका यह संदेश मैं सबको बताऊंगा। आज से मैं यह काम करूंगा। भगवान तब वहां से चले गए। उसी दिन से गौतम उस काम पर लग गया और लोगों को यह राज बताने लगा। दोस्तों, आपके पास भी विश्वास की कमी होगी। ईगल बने। ईगल की उम्र 70 साल होती है, लेकिन उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है कि उसे अपने जीवन का सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। 40 साल होते ही उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं सकता। उसकी चोंच इतनी टेढ़ी हो जाती है कि उस चोंच से वह खा नहीं सकता। साथ ही उसके नाखून भी टेढ़े हो जाते हैं कि उस नाखून से वो कभी कुछ पकड़ नहीं पाता।
अब उसके सामने उसकी मौत ही नजर आती है। उस समय उसे अपने जीवन का सबसे मुश्किल और खतरनाक फैसला लेना पड़ता है। उसे या तो मरना है या तो बचने के लिए संघर्ष करना है। तब वो बचने के लिए संघर्ष करने का फैसला करता है। यह बहुत मुश्किल फैसला है। इसके लिए उसे बहुत दर्द सहना पड़ता है। तब वो पहाड़ की चोटी पर चला जाता है और सबसे पहले अपनी चोंच को पत्थर पर मारकर तोड़ देता है। तब उसे बहुत दर्द होता है और बहुत सारा खून भी बहने लगता है। वो उस दर्द को सहन कर लेता है। फिर वो अपने नाखून को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उसे भी तोड़ देता है और अब भी उसे बहुत दर्द होता है और खून भी बहने लगता है। तब वो अपने चोंच और नाखून को दोबारा निकलने तक चुपचाप अपने घोंसले पर बैठा इंतजार करता है। फिर जब उसके चोंच और नाखून लंबे हो जाते हैं तो वो फिर से अपने भारी पंखों को खींचकर निकाल देता है। तब भी उसे दर्द होता है। फिर से वो कुछ महीनों तक रुकता है और इंतजार करता है अपने पंख दोबारा निकलने तक। तकरीबन यह मुश्किल सफ़र तय करने के लिए उसे 5 से 6 महीने लगते हैं और उन दिनों वो काफ़ी समय भूखा भी रहता है। फिर जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब वो फिर से उड़ने लगता है और पहले जैसे शिकार भी करने लगता है और बाकी की ज़िंदगी वो फिर से पहले की तरह जीने लगता है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी कुछ इस तरीके की होती है। आपको भी ईगल की तरह बनना है। जब आपको लगे कि आपके जीवन में ऐसा ही मुश्किल दौर आ गया है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तब आपको तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या का मतलब है कि आपको सीखने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जी हाँ, आपको तैयार करना, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अपने आप को तैयार करने के लिए आप जो काम कर रहे हैं उसको सीखने के लिए समय बिताना होगा। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपके दिमाग की ओर भी अच्छी तरह से तेज करना पड़ेगा। कुछ समय शांत होकर आप सीखने के काम पर लग जाइए। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तब शायद कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको धैर्य के साथ वो काम करना है। देखते ही देखते आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे और ईगल की तरह फिर से उड़ने लगेंगे और अच्छी तरह शिकार कर पाएंगे। आप सफल बन पाएंगे, कामयाब बन पाएंगे। धन्यवाद।